गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ केडी क्लासेस मई जौनपुर, प्रोज भाग से लेसन टू ए फेलो ट्रेवलर, जिसके राइटर है एजी गार्डनर के साथ। बच्चों, हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं। इस तरह से देखते हैं इस लेसन के बारे में, जो एजी गार्डनर लिखा है फेलो ट्रेवलर्स को लेकर के। फेलो माने साथी होता, ट्रेवलर माने यात्री, यात्री साथी कहानी है इसमें। और ये ऐसे है, ये ऐसे ज़रा देख लेते हैं थोड़ा, इसमें कहाँ दे मॉप लेसन थोड़ा देख लीजिए। द प्रेजेंट ऐसे इज टेकन फ्रॉम हिज लीव्स इन द वो विंड। ये जो लेसन ऐसे लिया गया है, लीव्स इन द विंड से लिया गया है। इट इज़ पर्सनल ऐसे, ये व्यक्तिगत अपने ऊपर लिखा गया ऐसे है राइटर का। द ऑथर डेवलप्स फीलिंग ऑफ एफेक्शन फॉर ए मॉस्किटो, रिगार्ड्स हिम एज फेलो ट्रेवलर। यानी इस स्टोरी में राइटर को अफेक्शन यानी प्रेम आ जाता है, प्यार आ जाता है। किससे आ जाता है? मॉस्किटो से, क्योंकि वही उसका फेलो ट्रेवलर है यानी यात्री साथी है। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि राइटर जो है जब अपनी यात्रा शुरू करता है लंदन के लिए, लंदन से, तो ऐसे समय में धीरे धीरे सारे यात्री जो जिस रेल से यात्रा कर रहा उतर जाते हैं, लेकिन अंततः एक ऐसा मॉस्किटो राइटर का यात्री बनता है जो इस कहानी का प्रमुख हिस्सा बन जाता है। तो आइए इस कहानी को देखते हैं, इसमें है ऐसा क्या? फेलो ट्रेवलर जो नाम दिया है जी गवर्नर ने, इसमें ऐसा है क्या? देखिए, लेसन शुरू करने से पहले एक बात और बता दे देंगे आप सबको हम, कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको हम बताते चलते हैं, मीनिंग बताते चलते हैं हिंदी में। जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे उनका हम एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते चलेंगे। थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, और बार बार देखने के साथ आप जो भी कमज़ोरी रही इसको दूर कर सकते हैं। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ राइटर कहता है, आई डोंट नो विच ऑफ अस, लेखक कहता कि हम में से कौन गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। कैरिज माने रेल का डिब्बा, रेल के डिब्बे में हम में से पहले कौन घुसा, अर्थात कौन आया। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, हम में से डिब्बे में पहले कौन आया। इंडीड आई डिड नॉट नो, इंडीड माने होता है वास्तव में, सचमुच में। इंडीड माने वास्तव में, सचमुच में। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। ही वॉज इन द कैरियज, वह कैरियज में था, अर्थात डिब्बे में था। एट ऑल, बिल्कुल। फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय पहले। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि वह डिब्बे में पहले से ही था। किसकी बात कर रहा है राइटर यहाँ? मॉस्किटो की बात कर रहा है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन, यह लंदन से अंतिम गाड़ी थी। टू अ मिडलैंड टाउन, किसके लिए? मिडलैंड शहर के लिए, यानी मिडलैंड जाने के लिए लंदन से जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक करके चलने वाली गाड़ी थी। एंड इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन, इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन यहाँ का वर्ड आया है, जिसका मीनिंग होता है अत्यधिक धीमी गति से चलने वाली उबाऊ गाड़ी। लीजरली शब्द आया है, निश्चित रूप से ही अत्यधिक धीमे चलने वाली उबाऊ गाड़ी थी। ऑफ दोज ट्रेन्स, उन गाड़ियों में से एक। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी मतलब अनंतकाल, जो आपको अनंतकाल की याद दिलाती, मतलब ऐसा लगता कि यह यात्रा समाप्त ही नहीं होगी। जैसे आप गाँव कहते हैं तुम खटारा गाड़ी है, तो यह खटारा कहने क्या आपका सेंस होता है कि यह लगता है आज पहुंच ही नहीं पाएगी जहां हमको जाना है। तो यहाँ राइटर कहता है कि यह रुक रुक करके चलने वाली बड़ी उबाऊ गाड़ी थी, जो आपको अनंतकाल की याद दिलाती, अर्थात यात्रा आपकी समाप्त नहीं होती, ऐसा आपको अनुभव होता है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, टॉलरेबली माने निश्चित रूप से, पूरी तरह से। फुल माने भरी हुई थी, फुल माने भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली, मतलब जब अपनी, जब मैं यात्रा शुरू किया पूरी तरह से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉपेड एट द सबर्न स्टेशन, स्टॉपेड माने रुके, सबर्न स्टेशन से माने आउट एरिया स्टेशन जो थे, उपनगरी स्टेशन। लेकिन
यह जब मैं चला तो यह पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन बट एज वी स्टॉपेड एट सबमन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे उपनगरी स्टेशन पर रुकती गई, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, एलाइट मन उतर जाना, एलाइटेड मन उतर गए, ट्रेवलर्स माने यात्री, इन वंस आर टूज, वंस एंड टूज मतलब क्या तात्पर्य होता है, एक एक दो दो करके, यानी एक एक दो करके सभी यात्री एलाइटेड माने उतर गए, एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और इस समय तक मैं लंदन के बाहरी भाग तक निकल गया था, अर्थात लंदन सिटी में जो मैंने यात्रा की, लगभग सारे यात्री उसी में एक एक दो करके उतर गए, और यह लंदन का बाहरी भाग था, बिहाइंड आई वॉज एलोन, और मैं अकेला था, और रेदर आई थाट आई वॉज एलोन, यहाँ लेखक कहता है अथवा मेरा मानना था कि मैं अकेला था, क्या कहने का तात्पर्य, यहाँ लेखक कहता है कि मेरा या तो मानना था या तो मैं वास्तव में अकेला था, क्योंकि मुझे कोई यात्री दिखाई नहीं पड़ रहा था। आगे देखिए, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, प्लीजेंट मतलब सुहावना, खूबसूरत सेंस माने भाव, फ्रीडम माने आज़ादी, अबाउट बींग एलोन इन कैरियर्स, एलोन इन कैरियर्स माने डिब्बे में अकेले होना एक पूरी तरह से आज़ादी का अनुभव था, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जॉल्टिंग जॉल्टिंग मतलब झटका देने वाली, नॉइजली माने शोर करने वाली, नाइट माने रात में, यानी रात में झटके के साथ शोर करती हुई गाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करना एक सुंदर आज़ादी का अनुभव था, मतलब यहाँ राइटर कहता ही वॉज नो डाउट फ्री, वहाँ कोई था ही ना, अकेला वैसा अनुभव करता है, इट इज़ लिबर्टी कहता है, इट इज़ लिबर्टी, यह तो आज़ादी का समय था, लिबर्टी का समय था, एकदम आज़ादी का समय था, ठीक। आगे देखते हैं, इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, यह एकदम आज़ादी का अनुभव मेरे लिए था, यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, तुम जो भी चाहो कर सकते हो, लेखक कहता है यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, तुम जो चाहे कर सकते हो, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, प्लीज माने प्रसन्न, जितना आप प्रसन्नता के साथ तेज आवाज़ के साथ बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, किससे, अपने आप से, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, दिया है आप अपने से जोर जोर बात करते हैं, मतलब जितना चाहो चिल्लाओ ट्रेन में डिब्बे में, एंड प्लीज और प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, एंड नो विल ही हियर यू, और आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं, मतलब देयर वॉज नन इन द कंपार्टमेंट एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड, देयर वेयर मैनी, यहाँ कहता देयर वेयर मैनी पैसेंजर एट दैट टाइम बट दे अलाइटेड वंस आर टूज आउटर एरिया ऑफ द स्टेशन, एंड राइटर फाउंड हिमसेल्फ एलोन, आर ही थाट दैट ही वॉज एलोन, एंड he thought that it was very pleasing time for him because he can talk himself as loud as he wanted and no one will hear him, yahan kehte hai, aage dekhiye, you can have that argument, argument matlab tark karna, you can have the argument out with jones, yahan jones naam ke ek vyakti ka naam liya hai jinko aap kalpanik dushman maan sakte hain, you can have the argument, argument matlab tark karna आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मतलब होता है बिना आघात पहुँचाए, रोल मतलब गिरा देना, ट्रम्फली माने होता है विजय प्राप्त करना, डस्ट माने होता है धूल में, मतलब तुम अपने अंदर यह तर्क कर सकते हो कि तुम जान नामक अपने दुश्मन को बिना किसी आघात पहुँचाए उसको धूल चटा सकते हो, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, तुम इस तरह का एक तर्क कर सकते हो, क्या तर्क कर सकते हो, आउट विद जोन्स यानी जोन्स को लेकर के, यहाँ जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति की कहानी नहीं है जिसे राइटर अपना दुश्मन के रूप में नाम लेता है, एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली, ट्रम्फेंटली मतलब विजय प्राप्त कर, रोल मतलब गिरा देना, और उस पर तुम गिरा करके विजय प्राप्त कर सकते हो, इन द डस्ट कहाँ गिरा सकते हो, धूल, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी उसके द्वारा दिए गए किसी काउंटर स्ट्रोक अर्थात आघात से, मतलब अपने ये जोन्स का नाम मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा बहादुर है ऐसा लेखक मानता है, उसको भी तुम वहाँ काल्पनिक जोन्स को गिरा करके धूल चटा करके विजय प्राप्त कर सकते हो, और बिना किसी डर के कि वो तुम्हें आघात पहुँचाएगा, समझ में आ गया होगा, थोड़ा घुमा के दिया था राइटर, देखिए, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, लेखक कहता है कि इतनी आज़ादी थी उस समय मेरे लिए,
बिकॉज आई फाउंड माई सेल्फ इन दैट कंपार्टमेंट अलोन और आई थॉट दैट आई वॉज अलोन इन दैट कंपार्टमेंट एंड आई वॉज वेरी फ्री नो वन कुड हियर मी टू एंड सी मी एट दैट टाइम. ऐसा कहता यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो, मतलब पैर ऊपर कर लो. एंड नो वन विल यू सी यू, नो वन विल सी यू, और आपको कोई देख नहीं पाएगा, मतलब वहाँ उसमें कोई था ही नहीं, ऐसा राइटर कहता है. यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, और डांस ए टू स्टेप्स, अथवा एक दो स्टेप डांस भी कर सकते हो, और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ खेलने का प्रैक्टिस माने अभ्यास कर सकते हो, आर प्ले मार्बल्स, मार्बल माने गोली, अथवा गोली खेल सकते हो, कहाँ, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना रोक टोक के तुम गोली खेल लो. इतनी आज़ादी थी, राइटर कुल आज़ादी की बात करता है. उस समय ट्रेन में शायद कोई नहीं था, उस डिब्बे में तो कोई नहीं था जहाँ मैं था, इस तरह से लेखक कहता है पूरी आज़ादी थी. आगे कहता है यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो, आर शट, अथवा बंद कर सकते हो, इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, प्रोवोकिंग मतलब रोक टोक के, बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के तुम खिड़की को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो. क्या कहने का मतलब, अगर आप यात्रा कर रहे हो एट दैट टाइम, इफ देयर वेयर एनी पैसेंजर एट दैट टाइम यू वॉन्ट टू शट आर ओपन द डोर, एनी पैसेंजर कैन इंटरप्ट यू, रोक सकता है कोई यात्री आपको, तो मत खोलो भैया खिड़की, बार बार खोलते हो, कहाँ बंद करते हो, खोलो, अगर आप बंद रखना चाहें तो कहेगा खोलो भैया हवा नहीं लग रही है. लेकिन यहाँ लेखक कहता है कि तुम खिड़की को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, बिना किसी प्रोकिंग के, बिना किसी रोक टोक के. आगे कहता है यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, तुम दोनों खिड़की खोल सकते हो और दोनों बंद कर सकते हो. आगे क्या कहता है, इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, अथवा तुम एक आज़ादी का त्यौहार उन खिड़कियों को बंद करना और खोलते हुए मना सकते हो, मतलब जब चाहो बार बार खोलो बंद करो, बार बार खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, ऐसा तुम फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी का त्यौहार मना सकते हो. लेखक कहता है कि यानी खिड़कियों के बारे में, चाहे जितनी बार चाहे बंद करो, जितनी बार चाहे खोलो. आगे क्या कहता है, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम किसी कोने में बैठ सकते हो, यू चूज जिसको तुम चुन लो, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सबकी कोशिश कर सकते हो, मतलब जिस भी सीट पे चाहे बैठ सकते हो. पूरी दुनिया तुम्हारी थी उस ट्रेन की, जो भी तुम्हारी ट्रेन में जगह थी सारी, वो दुनिया तुम्हारी सारी जगह आपके लिए थी. आगे कहता है यू कैन लाई, तुम लेट सकते हो, एट फुल लेंथ माने पूरा लंबा तन करके, ऑन द कुशंस गद्दों पर, अगर आप लोग यात्रा किए होंगे तो फर्स्ट क्लास या अच्छी कंपार्टमेंट में गद्दे लगे होते हैं, लोकल में तो अपने इंडिया में केवल वुडन होते हैं, तो यहाँ इसीलिए कुशन दिया है क्योंकि भाई लंदन की कहानी है, वहाँ ऑलरेडी पहले से रहा होगा गद्दे वाले सीट्स. यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, तुम पूरी लंबाई से गद्दे पर ले सकते हो, एंड एंजॉय, और आनंद उठा सकते हो, द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, लग्जरी माने आनंद, ब्रेक माने तोड़ना, रेगुलेशन माने नियम का, नियमों को तोड़ते हुए आनंद का अनुभव कर सकते हो. भाई बैठने की इजाज़त है, लेटने की नहीं, क्योंकि सिटिंग वो सिटिंग कंपार्टमेंट था, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन थी, मेल ट्रेन नहीं थी जिसमें आपको एक सीट मिली हो पूरी तरह से लेटते हुए जाओ. हाँ, यहाँ क्या कहता है, आनंद का अनुभव उठाते हो, तुम नियमों को तोड़ सकते हो, ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA. DORA एक संस्था है लंदन की, तुम उसका दिल भी तोड़ सकते हो. कहने का तात्पर्य, उसका दिल टूट जाएगा वो पता भी नहीं पाएगा, उसका दिल तोड़ दिया गया अर्थात आपने नियम का उल्लंघन किया, DORA समझ नहीं पाएगा हर सेल्फ. ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन. DORA जान नहीं पाएगा उसका दिल तोड़ दिया गया अर्थात किसी व्यक्ति ने उसके नियमों का उल्लंघन कर डाला. ऐसी स्वतंत्रता की बात कहता है कौन, राइटर A.G. गार्डनर. यू हैव स्कैप्ड इवन DORA, आप DORA से बच भी सकते हैं, स्कैप्ड माने बच भी सकते थे, यानी DORA आपको समझ नहीं पाएगा कि आपने उसके नियमों का उल्लंघन किया है. तो ये सारी बातें तो आज़ादी को लेकर के हुई. अकॉर्डिंग टू द लेसन द राइटर वॉज गोइंग टू मिडलैंड एरिया फ्रॉम लंदन एट दैट टाइम इट वॉज फुल
एंड वन आर टूज द पैसेंजर गॉट डाउन फ्रॉम दैट ट्रेन एंड इन दिस वे द राइटर फाउंड हिमसेल्फ एलोन आर ही थॉट दैट ही वॉज एलोन एट दैट टाइम एंड देयर वॉज फुल इंजॉयमेंट फॉर द राइटर बिकॉज नो वन वॉज इन दैट कंपार्टमेंट इन दिस वे राइटर सेज ही कुड स्लीप आर सीट एनी सीट आर लाइट फुल लेंथ ऑन दैट कुशंस एंड ही कुड प्ले मार्बल्स आर प्रैक्टिस गोल। ऐसी बहुत सारी बातें बताता है लेखक वो कर सकता था। चलिए अगले पैराग्राफ तरफ चलते हैं। ऑन दिस नाइट इस रात की घटना की बात कर रहा है, मतलब जिस रात में वो यात्रा किया है उसकी बात कर रहा है। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग उस रात मैंने इनमें से कोई चीज़ नहीं की, न मैं गोली खेला, न गोल्फ का प्रैक्टिस किया, न जान नामक अपने शत्रु को मार करके धूल चटाया, या मैं पूरी तरह से लेट लेट करके एक खिड़की को खोल करके बंद करके, यानी आज़ादी का मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग उस रात मैंने इनमें से कुछ भी कार्य नहीं किया। आगे किया क्या कहता है, दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, मतलब ये घटना मेरे साथ नहीं हुई जो मैंने उल्लेख किया ऊपर। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया बहुत ऑर्डिनरी मतलब साधारण बात थी, बहुत साधारण बात थी। वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा अंतरिम यात्री साथी उतर गया, हैड गॉन मतलब चला गया, अंतिम यात्री साथी, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को निकाला। पेपर किस कौन से पेपर की बात हो रही है, न्यूज़पेपर जिसको हम आप पढ़ते हैं। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर निकाला, न्यूज़पेपर निकाला, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स और अपनी भुजाओं पर स्ट्रेच मैंने फैला लिया, किसके लिए, पढ़ने के लिए। एंड माई लेग्स और अपने पैरों पर, इसका मतलब राइटर जो है पैर फैलाया, पैर फैलाने के साथ हाथ पर रख करके पेपर को अपने पैर और हाथ पर रख लिया। स्टूड अप खड़ा हुआ एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से बाहर झांका। ऑन द काम समर नाइट, काम माने शांत, समर नाइट माने गर्मी की रात में, और शांत गर्मी की रात में मैंने खिड़की से बाहर झांका। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग मतलब मैं जिस रेल से यात्रा कर रहा था उसकी खिड़की से बाहर झांका। नोटिंग द पेल रिमाइनेंस ऑफ डे, नोटिंग मतलब नोट करते हुए, पेल मतलब पीले रंग का, रिमिनेंसेंस ऑफ डे मतलब डे दिन का पीलापन, रिमिनेंसेंस माने बचा हुआ था अर्थात पूरी तरह से दिन डूबा नहीं था, दिन का पीलापन अर्थात सायंकाल का वो पीलापन बना हुआ था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, लिंगर्ड माने ठहरा हुआ था, नॉर्दर्न स्काई माने उत्तरी भाग पर, आसमान के उत्तरी भाग में दिन का पीलापन लिंगर्ड माने रुका हुआ था, रिमिनेंसेंस माने बचा हुआ था। अब देखिए अपने यहाँ क्या होता भैया, अपने यहाँ वेस्टर्न साइड में सनसेट्स होता है यानी सूर्य डूबता है, लेकिन यहाँ मेरी लंदन की बात हो रही, उत्तर तरफ डूब रहा है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं, जैसा कि आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड टू द सन, द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉज ऑफ डे एंड नाइट। तो जिस भाग में जो देश होगा उस दिशा में वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। तो लंदन में किधर सूर्यास्त होता है, उत्तर तरफ, इसका मतलब सूर्य निकलता कहाँ से होगा, दक्षिण तरफ से, जबकि इंडिया में कहाँ से निकलता है, पूरब से, अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। चले आगे देखिए, आगे फिर से देख लीजिए। आई वॉज जर्निंग नोटिंग द पेल रिमाइनेंसेस ऑफ द डे स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, क्रॉस द कैरियज एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो। क्रॉस द कैरियज मतलब डिब्बा पार करके, जिस डिब्बे में था उसको क्रॉस किया, पार किया दूसरे डिब्बे में। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडोज, दूसरी खिड़की से देखा। लिट ए सिगरेट, इसका मतलब जैसे अपने यहाँ एक डिब्बे दूसरे डिब्बे में अंदर अंदर आप जा सकते हैं, लेखक भी जा सकता था। लिट ए सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, बिकेम अवेयर असावधान, अवेयर माने असावधान, या बिकेम अच्छा असावधान हो गया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तब तक मैं अपने यात्री साथी से सावधान हो गया, इसका मतलब कोई यात्री साथी मिल गया। अब कौन मिलता है इस कहानी में, आप समझ सकते हैं, दैट वॉज ओनली मॉस्किटो, अभी तो कोई नहीं था। लेखक खिड़की को
देखा, बाहर देखा, शाम का समय था, पीलापन उत्तर भाग में ठहरा हुआ था, तब तक लेखक सिगरेट जलाया और बैठ गया, पढ़ना शुरू किया। फिर कहता है कि मैं अपने फेलो ट्रेवलर से सावधान हो गया। ही केम, वह आया एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। जो यात्री साथी आया वो कहाँ बैठ गया? नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, विंगी माने पंखों वाला, निप्पी मतलब एकदम चतुर चालाक, इंटरेपिड इंसेक्ट, शरारती कीड़ा। वह एक पंखों वाला चतुर और शरारती कीड़ा था। किसकी बात हो रही है, समझ सकते हैं? दैट वी कॉल वैगुली मॉस्किटो, जिनको हम मॉस्किटो कहते हैं, मतलब जिनको हम मच्छर कहते हैं, वो कीड़े की बात कह रहा लेखक। अब यहाँ देखिए, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ बनता है। अब जहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ बनता है, इसलिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक ना? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, यहाँ लेखक कहता है कि मैंने उसे उड़ाया। किसको उड़ाया? कीड़े को उड़ाया, ठीक। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उस कीड़े को उड़ाया। एंड ही मेड ए टूर, और उसने एक टूर लगाया। टूर मतलब घूम घूम के यात्रा करना, जिसे होता है घूमना। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने पूरे कंपार्टमेंट माने डिब्बे का एक चक्कर लगाया, टूर लगाया। अब इसको ध्यान सुनिए, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स एग्जाम के दृष्टिकोण से होता है, ऐसे जो मेजर पैसेज होंगे उसके बारे में थोड़ा रुक के और आराम से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। देखिए, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपने नाक से उसे उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने कंपार्टमेंट अर्थात डिब्बे का एक चक्कर मारा। इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट मतलब होता खोज करना। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशन, और उसने तीन बार इन्वेस्टिगेट किया मतलब खोज किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फ्लटर राउंड मतलब होता फड़फड़ाना, लाइट माने प्रकाश में, और जो बत्ती लगी थी प्रकाश जहाँ था, अपने पंखों को फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और निर्णय लिया। दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पर इतना रोचक कोई नहीं था, एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि वह बड़ा वाला प्राणी, इन द कॉर्नर माने कोने में बैठा हुआ। यानी अपने को लेखक कहता है, किसको कहता है? अपने लिए लेखक कहता है कि मैंने जब उसको अपने नाक से उड़ाया तो वो चक्कर लगाया डिब्बे का, और इस तरह से तीन बार वह खोज किया, पूरा टहल टहल के सारे खिड़की के पास और बत्ती के पास अपने पंखों को फड़ाया, और अंतिम निर्णय लिया कि मेरे जैसा कोने पर बैठा हुआ बड़ा इंसान उसके लिए और कोई रुचिकर चीज़ नहीं थी, मतलब मैं ही सबसे अच्छा उसको लग सकता था, ऐसा उस निप्पी मॉस्किटो ने समझा। केम, आ गया, अब भाई टहला घूमा टूर किया और आया। एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरे क्या हुआ, गर्दन पर अपनी निगाह दौड़ाई, अर्थात मेरे गर्दन पर बैठ गया। अब पूरा दोनों पैराग्राफ देख लीजिए, तब हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझानेंगे। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, यहाँ आई फ्लिक्ड ऊपर जो मैंने पढ़ा है वहाँ से लेकर के नीचे तक देखिए, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया जब मेरे गर्दन पर आया। ही स्काइप्ड अवे, स्काइप मन होता उछल करके भागना, यानी तेजी से भागना। ही स्काइप्ड अवे, उछल करके भाग निकला। टुक अंदर जाउंड राउंड, और फिर दूसरा एक झटकेदार चक्कर मारा, मतलब झटके में चक्कर लगाया। जाउंड मतलब झटका, तेजी से राउंड लगाना फिर उस डिब्बे का। एंड टू कंडर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और झटके से कंपार्टमेंट का चक्कर मारा। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और निर्भीकता के साथ वह मेरे पिछले भुजाओं पर बैठ गया, यानी बाँह के पिछले भाग पर। अब लेखक को गुस्सा आ रहा भैया, देखिए कहता है इट इज़ एनफ, अब बहुत हो गया। एनफ माने पर्याप्त, इट इज़ एनफ, बहुत हो गया। आई सेड, मैं कहता हूँ, मैग्नीमिटी हैज इट्स लिमिट, मैग्नीमिटी की भी एक लिमिट होती है, यानी उदारता की भी एक सीमा होती है। मैग्नीमिटी हैज इट्स लिमिट मतलब उदारता की भी एक लिमिट होती, सीमा होती है। ट्वाइज यू हैव बीन वार्न्ड, ट्वाइज माने दो बार, वार्न माने चेतावनी।
दो बार तुम्हें चेतावनी दी गई दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, और कहता है कि समझ लो आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। ये हल्का फुल्का लल्लू चप्पू नहीं हूँ मैं, आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। जैसे आप कहते हैं भैया बड़बंदई है, नेताजी है, ये है वो है, अफसर अधिकारी है, तो अपने को क्या कहता है कि मैंने तुम्हें दो बार चेतावनी दी दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं निश्चित रूप से एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट द टिंकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और मैं एक अपरिचित व्यक्ति, और इस तरह से तुम्हें मैं क्या कहता है, एज्यूम द ब्लैक कैप। ब्लैक कैप का तात्पर्य यहाँ होता है कि मार देने के लिए किसी भी रूप में मतलब चेतावनी दे देना। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी इजाज़त देता है। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, और न्याय इसकी इजाज़त देता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट जो है इसका अवार्ड देती है। कहने का मतलब न्यायालय इससे पुरस्कृत करता है। अब यहाँ से आप इसको एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। जैसे आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो कैसे कहेंगे, आई फ्लिक मैंने बताया तो ये इम्पोर्टेंट थे थोड़ा है। देखिए अगर आप रेफरेंस लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर, ठीक, रिटन बाई ए फेमस इंग्लिश एसेइस्ट एजी गॉर्डनर। आप ऐसा कर देंगे, कॉन्टेस्ट लिखना है इस पैसेज से तो कैसे लिखेंगे, द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन ए पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड, व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन ओनली द राइटर वॉज लेफ्ट देयर, जब बाहर गया तो केवल राइटर लेफ्ट हुआ छूटा। ही वॉज टाइड ऑफ ए मॉस्किटो हु ट्रबुल्ड हिम अगेन एंड अगेन, जो बार बार परेशान कर रहा था उसको मॉस्किटो से। Now the mosquito sat on the back of his hand. ऐसा कर सकते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। The writer was traveling in a passenger train from London to Midland. It was slow moving train. When the writer had left the outer ring of London, only at that time he found himself alone. And there was a mosquito. ऐसा कर सकते, there was a mosquito who troubled him again and again. ऐसा कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बाजी देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। द राइटर कुड नॉट टॉलरेट दिस बोल्ड मिसशिप, टॉलरेट माने सहन करना, बोल्ड माने साहस, मिसशिप माने शरारत। द राइटर कुड नॉट टॉलरेट दिस बोल्ड मिसशिप ऑन ऑफ द मॉस्किटो, ही कुड नॉट बी जनरियस एनी मोर, ही हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड इट्स ट्वाइस। द राइटर थॉट अबाउट हिमसेल्फ दैट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही मस्ट बी रिगार्डेड, बट द लिटिल मॉस्किटो वॉज डिस्टर्बिंग हिम अगेन एंड अगेन एंड टिकलिंग हिज बॉडी अगेन एंड अगेन। इट वॉज स्ट्रेंजर सो ही डिसाइडेड टू पनिश इट, ही थॉट हिमसेल्फ टू बी एजस एंड डिसाइडेड टू कंडम इट टू डेथ। एज देयर वेयर मेनी चार्जेज अगेंस्ट इट, तो क्या समझा आपने कि मॉस्किटो को लेकर के अंत में राइटर यह निर्णय लेता है कि अब मैं इसको मार ही दूंगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगले पैराग्राफ चलते हैं। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे प्रति बहुत सारे काउंट्स हो गए। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी एंड यू आर वैगरेंट, यू आर पब्लिक न्यूसेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। अब क्या कहता है, तुम एक वैगरेंट पर्सन हो, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम सार्वजनिक स्थान पर एक मतलब रूप से तुम बड़े नॉनसेंस हो, बड़े बेहूदे हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट का कूपन नहीं है जो मेरा मांस खा रहे हो भैया बार बार। फॉर दीज, इन सारे कामों के लिए, एंड मैनी अदर मिसडेमनरियस, यू आर अबाउट टू डाई, बहुत सारे कारनामों को लेकर के इनके लेकर के तुम अब मरने को तैयार हो जाओ। अब लेखक क्या कहता है, आई स्टक ए स्विफ्ट, मैंने तेजी से एक चोट पहुँचाई। स्विफ्ट मैंने तेजी, स्टक मैंने चोट पहुँचाना। लीदल ब्लो, एक जोरदार ब्लो मैंने मुट्ठी का प्रहार किया। विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। ही डॉज द अटैक, डॉज द अटैक, वह अटैक से डॉज यानी डॉज करके अर्थात धोखा दे करके निकल गया। विथ एन इंसोलेंट इज द ह्यूमिलिएटेड मी,
और मुझे ह्यूमिलेटेड किया, मतलब मुझे एक तरह से चेतावनी दे डाली। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा आत्मसम्मान जाग गया। वैनिटी यानी आत्मसम्मान, स्वाभिमान। अराउज्ड मतलब जाग गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैंने अपने हाथ से उसको मारने की कोशिश की। विथ माई पेपर, अपने पेपर के बीच, पेपर पे आके बैठा था। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं अपने सीट से कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प के आसपास उसका परस्यूड माने पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और इस तरह से मैंने फेलाइन कनिंग यानी एक बिल्ली की चालाकी से टैक्टिस की मैंने कि वह अलाइट हो उतरे, यानी बत्ती के आसपास उतरे तब मैं मारूं। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिलनेस, स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबली स्विफ्टनेस, यानी पूरी तरह से पूरी चतुराई से मैंने अचानक उसको स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि अब आगे यहाँ लेखक जो कहता है, थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ, अब कहता है इट वॉज ऑल इन वैन, यानी मेरा सारा श्रम व्यर्थ गया, मैंने जो भी मैंने किया। ही प्लेड विथ मी, उस वह मेरे साथ खेला, खेला मतलब पुल खुल करके मुझे, मेरे साथ उसने खिलवाड़ किया। ओपनली एंड ऑस्टेसली, पूरी तरह से खुल करके और धैर्य के साथ उसने मेरे साथ खेला। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्रियंट बुल, उस बैल की भांत, इन्फ्रियटेड बुल मतलब उस एक आक्रोशित बैल की भांत, जैसे कोई स्किलफुल मेटाडोर अर्थात कोई कुशल लड़ाकू जो किसी ऐसे घातक बैल से लड़ता है, इसी तरह से वो मेरे साथ खेल खेला। कहने का मतलब वो मेरे लिए एक बैल की तरह, घातक बैल की तरह था, और मैं एक ऐसे खिलाड़ी की तरह था जो बैल से खेलने के लिए उतरा था। इस तरह से वह पूरी तरह से मेरे साथ खेल खेला। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ, वह अपने अंदर ही पूरी तरह से आनंद उठा रहा था मेरे इस खेल का, अर्थात मुझे परास्त करके। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्बड माई रिपोज, ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। आई बिगैन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, ही वॉज नो लॉन्गर ए मेरी इंसेक्ट, ही वॉज डेवलपिंग इन टू पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्न। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी फेडिंग, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टिंग माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, वाई नॉट बी मैग्नामिशियम अगेन, मैग्नमिटी एंड मर्सी वेयर दैट नोबलेस एट्रीब्यूट ऑफ मैन इन द एक्सरसाइज ऑफ द हाई क्वालिटी। थोड़ा इसको अब तेज मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, थोड़ा आपको समझा दें। इट वॉज ऑल इन वैन से जो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, अब इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप में हम ले लेते हैं क्योंकि आता है प्रायर, इसको भी आप समझ लीजिए। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, आप लिख ही लेंगे। ए फेलो टू ऑफ द रिटन बाई ए फेमस इंग्लिश एसेइस्ट एजी गॉर्डनर, कॉन्टेस्ट में इसमें क्या लिखेंगे। ड्यूरिंग हिज जर्नी द राइटर वॉज ट्रबल्ड वेरी मच बाई ए मॉस्किटो, ठीक। ही वॉन्ट इट्स ट्वाइस बट यूजलेस, थर्ड टाइम ही डिसाइडेड टू किल इट, बट बाई इट्स क्लेवर ट्रिक्स द मॉस्किटो सेव्ड इट्सेल्फ फ्रॉम ऑल कनिंग टैक्टिस ऑफ द राइटर, सो द राइटर वॉज मच परफ्लेक्स्ड। अब एक्सप्लेनेशन करते जाइए आप धीरे धीरे। ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट, अब वो अपनी डिफीट को स्वीकार कर लिया था क्योंकि हार गया था लेखक। ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट एंड चेंज्ड हिज फीलिंग फॉर द मॉस्किटो, ही कंपेयर्ड हिज स्ट्रगल विथ मॉस्किटो टू फुल बुल फाइटिंग, जैसे बैल से लड़ा हो। द राइटर हिमसेल्फ बिहेव्ड लाइक एन एंग्री बुल, यानी लेखक एक बुल की भांत था, अपने को बुल बताया। इट वॉज ऑल्सो क्लियर दैट द मॉस्किटो वॉज इन्जॉइंग दिस फाइटिंग, इट वॉज मोकिंग एट हिज हेल्पलेसनेस टू किल हिम, ऑल्दो ही वॉज वेरी टॉल एंड पावरफुल। द मॉस्किटो हैड टेस्टेड द ब्लड ऑफ द ऑथर हु सीम टू बी हेल्पलेस
एंड स्टूपिड। यहाँ लेखक ने क्या किया, अंत में उसके प्रति दया का भाव दिखाने का प्रयास करता है। वो जान गया कि अब जो है मैं इस लड़ाई में सफल होने वाला नहीं हूँ। इस तरह से उसने माना कि अब ये दया का पात्र होना चाहिए इस मॉस्किटो को और मुझे भी। इस तरह से इस लेसन के अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ऑफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसको दोहराने का प्रयास करेंगे।